वेलकम टू ब्रेकआउट सिग्नल। दोस्तों, आपका इस चैनल पे सभी का स्वागत करता हूँ मैं। आज का सब्जेक्ट है ऑर्किड फार्मा को बाय करें या ना करें। इसका फुल फंडामेंटल एनालिसिस मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस फंडामेंटल एनालिसिस को देखिए और उसके हिसाब से आपको बाय करना है ना करना है, या आप डिसाइड कीजिए। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये देखिए, ये ऑर्किड फार्मा के बैलेंस शीट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। मैं शुरुआत करता हूँ क्वार्टर्स रिजल्ट से, जो भी क्वार्टर जो अपना रिपोर्ट रहते हैं उसके हिसाब से। ये देखिए, पहले हम देखते हैं क्वार्टर्स में सेल्स, जो कि मतलब इनका कितना सेल्स हो रहा है इनका प्रोडक्शन का। तो ये देखिए, जून 12 से जून 19 तक, इसके पहले वाले क्वार्टर्स रिजल्ट हमें अभी तक मिले नहीं। इसका रीज़न एक है, जून 12 से जून 19 तक क्वार्टर्स रिजल्ट क्यों अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ। इस कंपनी को ऊपर आप देख सकते हो, मैं आपको एक मिनट, हाँ ये देखिए, कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेप्ट था। ये देखिए, ये जो बोरोइंग्स की लाइन दिखते हैं, ये बोरोइंग्स की लाइन पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर 2010 से लोन बढ़ते जा रहा था। 10 में 1600, 11 में 2000, 12 में 2000, 13 में 3000, 14 का भी अवेलेबल नहीं यहाँ पे, 15 में 3200, फिर 16 में 3200 दे, मतलब ये बाई ये बढ़ रहा था, 3100, 3200, और रिजर्व कम होते जा रहा था। मतलब जो भी उनका रिजर्व मनी था, वो शुरुआत में तो 3 साल बढ़ रहा था, देखिए 800, 1000, 1000, मगर 13, 14, 15 वहाँ से लगातार कम कम होते जा रहा था, अभी -800 तक गया था। ये क्यों हुआ था? तो इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोन बढ़ने के कारण, ये 15 तक जो 3000 तक गया था लोन, वो लोन होने के कारण जिनका लोन था उन लोगों ने इनके ऊपर केस किया, इस कंपनी पे। और इस कंपनी पे केस करने के बाद ये कंपनी बंद हो गई। कब से? 2015 से लास्ट अक्टूबर या सितंबर 2020 तक, या उसके पहले शायद मार्च 2020 ऐसा कुछ तो है। तो उसके बाद जब धनुका लैब, इस कंपनी ने इसको इस कम पूरी कंपनी को एक्वायर किया, पूरी कंपनी को खरीद लिया मतलब। तो उसके बाद से वो कंपनी सितंबर या अक्टूबर मंथ में लिस्ट हुई, शायद मुझे लगता है 5 नवंबर 20 को लिस्ट हुई, सॉरी। तो अभी हम उसका उस कंपनी के डिटेल्स देखते हैं। ये देखिए, क्वार्टरली डिटेल्स है। शुरुआत में दिसंबर 11 में 496, 490, 406 कम कम होते जा रहे, मतलब बीच वाला तो डेटा नहीं है। अभी जून में 19 में 135, 131, 129, 111, 119, 108, मतलब इनका बिजनेस पूरा बंद ही है। अभी तक धनुका ने लिया, मगर उनसे भी अभी तक ये कंपनी ठीक से चल नहीं रही है। सितंबर में 108 था, दिसंबर 102 था। ऑर्डर इनकम में देखिए, -8, 5, 6, मतलब ये ऑर्डर इनकम मतलब एक एडजस्टमेंट के लिए या बाहर से पैसा जो आता है वो इसमें आता है। देखिए, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ एडजस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखिए, इसका नेट प्रॉफिट में -54, मतलब इनकम ही नहीं है। जो जो भी जा रहा है, मतलब वो आप वो कंपनी चाहे उसमें उनका एक्सपेंसेस शायद बढ़ गए, ये देखिए, हाँ एक्सपेंसेस की वजह से या डिप्रिसिएशन वैल्यू इंटरेस्ट दे रहे हैं वो, उसकी वजह से वो नेट प्रॉफिट पूरा माइनस में चल गए। 54, 38, -26, -27, -38, -22, -24, -44, अभी तो -44 तक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कंपनी चल ही नहीं रही है, मतलब काम ही बंद है उसका, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल ही बंद है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 12 में 54 था, उसके बाद जून 19 में 12, -01, -023, -12, मैं अभी जून में जब धनुका ने लिया ऑपरेटिंग पर, तब से 19, 17 और फिर से दिसंबर में -4 हुआ है। अभी इसके आगे बैलेंस शीट देखते हैं, शेयर कैपिटल देखते हैं। ये देखिए, शेयर कैपिटल 70, 70, 85, 88, 88, 88, 88, ये कब तक था? मार्च 19 तक। ये सब शेयर मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बताता है कि मतलब प्रमोटर के पास कम शेयर रहते और पब्लिक के पास या बाकी एफ आई आई डी आई के पास ज़्यादा शेयर रहते ट्रेडेबल। तो बाद में जब
धनुका ने लिया तो ये परसेंटेज कम हुआ। अभी रिजर्व देखें, रिजर्व मतलब कंपनी के पास कितना पैसा उनके अकाउंट पे पड़ा हुआ है। तो पहले शुरुआत में मार्च 12 में 1000 करोड़ था, 13 में 309, कम कम होते जा रहा है। मार्च 15 में 200, 250, 16 में देखिए -39 हुआ, 17 में लोन बढ़ता मतलब रिजर्व मनी खत्म हो रहा था उनका और माइनस में चल जा रहा था। 17 में 550, 18 में 880, 19 में 790 और ये मार्च में अभी पॉजिटिव में आया क्योंकि धनुका लव ने इसको खरीद लिया। बॉरिंग्स देखो, बॉरिंग्स मतलब लोन, लोन देखिए इसका 2000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000 और कम होके 550 तक है। अब इसको ये हो गया उनका इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ, ये देखिए क्या न्यूज़ है। दिस फार्मा स्टॉक हैज जूम 567% इन 40 ट्रेडिंग डेज पोस्ट रीलिस्टिंग। अभी देखिए इसमें यहाँ पे लिखा है, शेयर्स ऑफ ऑर्किड फार्मा वाज लॉक्ड इन अपर सर्किट फॉर द 40 डे, 5% अप एट 120 ऑन बीएससी और जूम 560% लेवल ऑफ 80, मतलब 80 से स्टार्ट हुआ 120 तक गया, 550% शेयर बढ़ा था नवंबर 3 में। अभी उस दिन का उन्होंने ये कितना ट्रेड हुआ शेयर वो बता रही। ये देखिए कंबाइन ओनली 83 इक्विटी शेयर हैड चेंज हैंड, मतलब सिर्फ 83 शेयर का इंटरचेंज हुआ है बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर में, मगर बाय ऑर्डर कितने की लगी थी 1,35,000 का। ये कौन दिखा रहा है, बीएससी एनएससी एक्सचेंज पे डाटा शो दिखा रहा है। अभी आगे दिखते हैं उन, अभी ये देखिए मैंने आपको बताया ना, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट शेयरिंग पैटर्न डाटा प्रमोटर ऑफ धनुका लैब हेल्ड कितना 98% उन्होंने स्टेक ऑर्किड फार्मा में हेल्ड किया है, सॉरी हेल्ड ये पब्लिक के लिए कितना परसेंटेज है, सिर्फ 2% पब्लिक के लिए, 1% स्टेक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के और बैंक के पास है और इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास सिर्फ 0.5% स्टेक है, मतलब बहुत ही कम शेयर्स है जो इसके ट्रेड हो रहे हैं। आगे देखते हैं, ठीक है इस न्यूज़ में इतना ही मतलब पढ़ने लायक ही था। अभी आप यहाँ पे देखिए इसका चार्ट ओपन करता हूँ मैं, ये देखिए कितना परसेंट आज तक, मतलब जो 4 नवंबर को 18 पे मिल रहा था 19 पे जो शेयर, वो आज जाके 1711 में प्राइस पे मिल गए, परसेंटेज कितना बढ़ा 12,112% आज तक बढ़ा है। मगर आप अब आप देखते हैं, देखिए इसके ट्रेडिंग वैल्यूज, ये देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए वो कितने ट्रेड हुए शेयर, वो वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी आपको। देखिए 3 नवंबर को 734, 98, 38, 91, 32, 40, 50, 60, 70, 98, 38, 70, 50, 70, 182, 109, 240, मतलब बहुत ही कम शेयर यहाँ पे ट्रेड हो रहे, मतलब इसमें कोई कोई भी बेचना नहीं चाहता, वैसे शेयर ही कम है बेचने के लिए, जो भी है शेयर वो प्रमोटर के पास है, इसलिए इसका प्राइस कंटिन्यूस अप अप अपर सर्किट लगाए और अपना शेयर ट्रांसफर हो रहे, बस कम इसमें कम वैल्यू में 23, 72, 100, इससे ज़्यादा वो नहीं रहे। बीच में एक बार बस 7,000 के आसपास शेयर का ट्रांजेक्शन हुआ था, बाकी तो भी अभी भी लास्ट कल भी बस 5,000 शेयर का ट्रांजेक्शन हुआ है जो कि जीते हुए मार्केट में हुआ था इस तरह से। इसलिए अभी मेरा ये सुझाव है इस कंपनी में ये फंडामेंटल देख के और ये चार्ट देख के तो इस कंपनी में कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। लास्ट में अभी यहाँ पे उनका सेल्स थोड़ा बढ़ रहा था, प्रॉफिट मतलब फिर भी माइनस ही है, अभी तक कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। बाकी रिजर्व उनका बढ़ा क्योंकि वो धनुका लैब नहीं खरीदा है, बॉरोइंग्स कम किए, अभी कंपनी परफॉर्म करना कर नहीं रही है और इस इतने कम शेयर आपको तो मिलेंगे ही नहीं, वैसे आपने ऑर्डर डाला तो भी, फिर भी अगर मिले तो मतलब इसके ऊपर देख के ऐसा मत ये कीजिए कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ चल रहा है वो कम शेयर होने की वजह से अपर सर्किट चल रहा है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जिस भी स्टॉक में ऐसे डेली अपर सर्किट लगते हैं उस स्टॉक को अवॉइड करना ही अच्छा रहता है। इसका एक एग्जांपल शायद मैंने देखा है, एक मिनट, हाँ क्यों अवॉइड करना है, देखिए ये कैसे सीधा लाइन में हर दिन 5-5% बढ़ के 12,000% तक ये शेयर बढ़ा। वैसे दूसरा शेयर है आपको दिखाता हूँ,
मैजेस्को, ये देखिए मैजेस्को की हालत। पहले शुरुआत में ये कंपनी अपर सर्किट लग के ऊपर जा रही थी, 802 आसपास गई, और वहाँ से शेयर नीचे क्यों आया, तो उस टाइम उन्होंने डिविडेंड दिया। कितने प्राइस थी उस दिन, 975 को ओपन हुआ था, क्लोज हुआ 9985 को, और उस रिकॉर्ड की डेट के हिसाब से 974 को प्राइस को उन्होंने डिविडेंड दिया, उतने ही प्राइस का। तो प्राइस आ रही नीचे 12 रुपये पे, सॉरी, ये देखें। तब से आपको ऑर्किड फार्म हाउस इसका चार्ट सेम लगेगा, कब तक, जब तक यहाँ पे है। ये देखिए 12 रुपये से स्टार्ट हुआ, 120 तक गया, मतलब परसेंटेज कितना बढ़ा, 800% तक बढ़ा। अभी शेयर में क्या चल रहा है देखिए, ये देखिए एक ही दिन में गिरावट हुई, उसके बाद लोअर सर्किट चला है। अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा 112 पे, उसका हाफ अमाउंट अभी माइनस कर रहा है। इसलिए अपर सर्किट में जब भी आप बाई करते हो, एक दिन ऐसा आता है कि ऑपरेटर वहाँ पे सेल करके निकलता है, भी बाद में सेलर्स की भीड़ लगती है और डेली लोअर सर्किट लगता जाता है। बायस कोई भी इसको बाय नहीं करना चाहता, जो लोग बाय करते हैं वो फंसते चलते चलते ये डेली अपर सर्किट लग के अभी ये शेयर नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए ऐसे अपर सर्किट लगने वाले लोअर शेयर में, लोअर सर्किट जब लगने लगता है तो कोई उसे बेच नहीं पाता, जो भी अपर सर्किट में बाय करते हैं वो लोग। इसलिए ऐसे स्टॉक में अवॉइड करो मैजेस्को और ये ऑर्किड फार्मा, इन दोनों स्टॉक को। ओके थैंक यू, इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद।